हेलो एवरीवन, नेक्स्ट थ्योरम थ्योरम इज ल्यूलिस फार्मूला। थ्योरम इज इफ थीटा इज द एंगल विच द कर्व सी मेक्स द पैरामेट्रिक कर्व दैट इज वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, देन प्रूव दैट के जी इज इक्वल्स टू थीटा डैश प्लस पी यू डैश प्लस क्यू क्यू डैश, वेयर द वैल्यू ऑफ पी is this 1 by 2 h e over 2 e f 1 minus f e 1 minus e f 2 and the value of q is 1 by 2 h e over e g 1 minus f e 2. So, हमको प्रूव करना है kz is equals to theta dash plus p u dash plus q v dash over the curve v is equals to constant. एक curve है, उस पर हमको प्रूव करना है मैग्नीट्यूड कर्वेचर थीटा डैश प्लस पी यू डैश प्लस क्यू वी डैश. ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ. द डायरेक्शन कोएफिशिएंट, दिस इज द डायरेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ दैट पैरामेट्रिक कर्व. जब दो डायरेक्शन कोएफिशिएंट रहेंगे और उस पैरामेट्रिक कर्व पे हमको कर्व दी गई है वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड द कर्व अंडर दैट कंसिडरेशन दिस टू पॉइंट्स दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट वन बाई ई and y is equals to 0 and the new parametric transformation u dash and v dash. So and the curve under that consideration respectively 1 by under root e comma 0, this is the coordinate of x and y, and the parametric transformation that is u dash and v dash. So that to cos theta and sin theta are given by cos theta is equals to this e u dash plus e upon under root e into v dash, and sin theta is equals to h upon under root e into v dash. ये जो value है cos theta and sin theta की, हमने unit first में article 2 में angle between the parametric curve में देखा था. angle between the parametric curve में हमने cos theta की value और sin theta की value find की थी, जो कि ये मिली थी ई यू डैश प्लस ई अपॉन अंडर रूट ई इंटू वी डैश, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा जो हमें यूनिट फर्स्ट में आर्टिकल टू में मिला था एंगल बिटवीन द पैरामेट्रिक कर्व में, एंड साइन थीटा की वैल्यू मिली थी एच अपॉन अंडर रूट ई इंटू वी डैश. एज इट इज़ हमने लिखी दिस इज इक्वेशन वन दिया उसे और साइन थीटा को इक्वेशन टू दिया. अब और इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा था मैट्रिक इक्वेशन. ओके, मैट्रिक इक्वेशन देखा था हमने टी इज इक्वल्स टू वन बाय टू, और यहाँ पे तीन टर्म आती थी ई वाली एफ, एक एफ वाली एंड एक जी वाली. सो एज इट इज आल्सो हमने लिखा टी इज इक्वल्स टू वन बाय टू इज कॉमन ई यू डैश स्क्वेयर प्लस टू एफ यू डैश वी डैश प्लस जी वी डैश का स्क्वेयर. अब हम इस इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू यू डैश से. सो अगर टी को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू यू डैश से, तो नेक्स्ट टर्म आती हमारी डेल टी बाय डेल यू डैश इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वन बाय टू कॉमन है और उस यू डैश का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टू ई यू डैश आएगा, तो न्यूमरेटर का टू और डिनोमेटर का टू दोनों कैंसिल हो जाएगी, फिर बचेगा यहाँ पे ई यू डैश प्लस ये वाला टू और ये वाला टू गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग एफ इंटू वी डैश. अब क्या करते हैं हम इस इक्वेशंस को अंडर रूट ई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट ई मल्टीप्लाई किया हमने, मतलब यहाँ पे ई सॉरी डिवाइड बाय बोथ साइड ऑन अंडर रूट ई. जब यहाँ पे हम अंडर रूट ई से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे अंडर रूट ई अपॉन अंडर रूट ई से. अब दिस टोटल इक्वेशन को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ई से, तो ये अंडर रूट ई हम रूट के बाहर लेते हैं और अंदर एक ई है, तो हम उसे ई अपॉन जब उसे डिवाइड करेंगे रूट ई से, सो ई अपॉन रूट ई मीन्स रूट ई
एंड यू डैश वाली जो टर्म है वो रूट में एज इट इज आ जाएगी, और प्लस एफ अपॉन अंडर रूट ई इंटू वी डैश वाली टर्म एज इट इज ओवर द मल्टीप्लाई रूट ई। अब हम इसे देते हैं इक्वेशन थ्री। जैसे हमने इस इक्वेशंस को डिफरेंशिएट किया पार्शियली यू डैश से, अब उसी इक्वेशंस को सिमिलरली डिफरेंशिएट करेंगे यू से। अब जब हम इस इक्वेशन को यू से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें सिंगल टर्म यू की एक ही नहीं, एक भी नहीं है, तो हम उसे एज इट इज़ लिखेंगे डेल टी बाय डेल यू इज इक्वल टू वन बाय टू ई डैश यू डैश स्क्वेयर प्लस टू एफ वन यू डैश वी डैश प्लस जी डैश वी डैश स्क्वेयर, और उसे देंगे हम इक्वेशन फोर। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशंस वन जो मिला था हमको कॉस थीटा इज इक्वल टू ई यू डैश प्लस ई अपॉन अंडर रूट ई वी डैश, उसे हम इम्प्लाइज करते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब हम देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको। अब हम इस इक्वेशंस में जो ए टर्म बची थी वन बाय ई, अब हम इसे इस साइड में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी वन बाय रूट ई, तो यहाँ पे रिमेनिंग ये पूरी टर्म बच जाएगी। मतलब ये टर्म इज इक्वल टू ये टर्म, ये तो सेम ही है दोनों टर्म, मतलब हम इसे कॉस थीटा इज इक्वल टू सेम इसे हम ये टर्म लिख सकते हैं। मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म सेम है, और ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। मतलब हम कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट ई डेल टी बाय डेल यू डैश लिख सकते हैं। सो दिस इज इसे हम मान के चलते हैं इक्वेशंस ए। अब हम इस इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू यस से। जब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यस से, तो ये कॉस थीटा वाली टर्म आ जाएगी माइनस साइन थीटा इंटू थीटा डैश, और अब ये दो टर्म है, मतलब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टर्म आती है माइनस साइन थीटा इंटू थीटा डैश इज इक्वल टू वन बाय रूट ई ओवर डी बाय डी एस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिविटी ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस वन बाय, जो हम इक्वेशंस ए को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वहाँ पे हमें बाय पार्ट्स रूल यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिविटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस वन बाय टू, इसका डेरिवेटिव टू टाइम्स ई टू द पावर थ्री बाय टू, और डेल टी बाय डेल यू डैश जो मिला था हमको वो ए था, और डेल टी बाय डेल यू डैश का स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा। सो नाउ मल्टीप्लाई बाय दैट इक्वेशन अंडर रूट ई एंड पुटिंग डी बाय डी एस ओवर डेल टी बाय डेल यू डैश इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल यू प्लस यू एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब हम क्या करते, ये डी बाय डी एस एज इट इज़, डेल टी बाय डेल यू डैश एज इट इज़, जो ये वन बाय रूट ही था, हम इसे इस साइड में मल्टीप्लाई, मतलब इस पूरे इक्वेशंस को अंडर रूट ई से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय सॉरी रूट ई, एंड जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे रूट ई से तो ये वाला ई और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे वन बाय टू टाइम्स ई बचेगा, तो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी डी बाय डी एस ओवर डेल टी बाय डेल यू डैश इज इक्वल्स टू डेल टी बाय डेल यू प्लस यू डैश यू, एंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है पिछले इक्वेशंस में एच वी डैश थीटा डैश इज इक्वल्स टू ए यू, हमने एज इट इज लिखा जो कि कैपिटल यू था, यू इज इक्वल्स टू और u प्लस एंड द वैल्यू ऑफ डेल टी बाय डेल यू हमने पिछले इक्वेशंस में पढ़ा था, द वैल्यू ऑफ डेल टी बाय डेल यू क्या आई थी वन बाय टू यू वन यू डैश स्क्वायर प्लस टू एफ वन यू डैश वी डैश प्लस जी डैश वी डैश का स्क्वायर, जो कि मिला था हमको डेल टी बाय डेल यू की वैल्यू, और माइनस जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बचेगा वन बाय टू इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो इसकी वैल्यू आएंगी वन बाय टू
ई इनवर्स ई वन यू डैश प्लस ई टू वी डैश ओवर ई यू डैश प्लस एफ वी डैश। ओके अब क्या करते हैं, हम ये टर्म एज इट इज लिखते हैं, माइनस एच वी डैश थीटा डैश इज इक्वल्स टू यू वी एज इट इज। अब हम इस इक्वेशन से 1/2 ई इनवर्स हर एक टर्म से कॉमन निकालते, सो 1/2 ई इनवर्स हमने कॉमन निकाला तो हर एक ब्रैकेट में बच जाएगा 2f1e माइनस fe1 माइनस ef2 और u डैश v डैश एज इट इज v डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें p मतलब कैपिटल p जो गिवन दिया गया था और कैपिटल q भी गिवन दिया गया था, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कैपिटल P, मतलब ये 2 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये E इनवर्स है, मतलब ये हम इसे 2E लिख सकते हैं और ये जो H है यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये हमको P की वैल्यू मिल जाएगी और ये वाली Q की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज P एंड Q, सो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 5 माइनस यहाँ से ये H V डैश हमने इधर मल्टीप्लाई ये साइड में लिया है तो ये डिनोमीटर में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा माइनस थीटा डैश, सो माइनस थीटा डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल यू अपॉन वी डैश एच प्लस यू डैश पी प्लस वी डैश क्यू। ओके सिंस हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था कि के जी इज इक्वल्स टू हमने लिखा था कप्पा ऑफ जी इज इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन वी डैश ऑफ वी डैश इंटू कैपिटल एच। और अभी इस इक्वेशन 6 को हम बिकम्स करते हैं, इक्वेशन 6 इम्प्लाइज माइनस थीटा डैश इज इक्वल्स टू इस पूरी टर्म को अब हम लिखते हैं कप्पा ऑफ जी प्लस एज इट इज दिस टर्म यू डैश इंटू पी प्लस वी डैश इंटू थीटा, एंड फिर ये माइनस वाले टर्म इस साइड में लेकर आएंगे और ये पूरी टोटल टर्म अगर इस साइड में ले आएंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा। तो के जी इज इक्वल्स टू थीटा डैश प्लस पी यू डैश प्लस क्यू वी डैश, दिस इज द फाइनल प्रूफ ऑफ दैट थ्योरम, हेंस प्रूफ।